हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैग। तो फ्रेंड्स, अगर आपके किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ गया है, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ गया है और आप परेशान हो गए हैं कि इससे आपका चैनल डिलीट तो नहीं हो जाएगा और आपको उसे कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करना भी नहीं आता, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर आए हुए कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं। और इसमें मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि इससे आपके चैनल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कॉपीराइट क्लेम भी रहता है तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसे रिमूव करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर फ्री प्रमोशन करता हूँ, तो मेरी लास्ट वीडियो में जिसका पहला कमेंट था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ जाके इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और इन्हें अपना पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने youtube.com ओपन किया हुआ है और आप एक डमी चैनल से इसमें लॉगिन किया हुआ है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। मैंने ये फोन से इसलिए नहीं बताया क्योंकि फोन पे स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन पे आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टॉप राइट कॉर्नर में जो आपको अपने चैनल का जो लोगो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ से आपको दूसरे नंबर पे कंटेंट, जो वीडियो का ऑप्शन है जिसमें सारी वीडियो आपकी शो होती है, उस पर क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरी एक इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो इसको कैसे रिमूव करना है, आप हर एक स्टेप को यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे सी डिटेल्स का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये कॉपीराइट क्लेम भी आ रहा है इसमें कि तुम्हारी जो वीडियो है ये मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। तो यहाँ पे सी डिटेल के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो हम सी डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि हमारी वीडियो में क्या गलती है, किस वजह से उस पर क्लेम आया है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, इसमें इस सॉन्ग की वजह से क्लेम आया हुआ है, ये सॉन्ग मैंने यूज किया हुआ है इसमें, इसलिए इसमें क्लेम आया हुआ है। तो हमें देखना है, यहाँ पे एक्शंस हैं, सिलेक्ट एक्शन में हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जिस जो सॉन्ग जहां तक यूज हुआ है वो आपको नीचे यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ पे शो हो रहा है आपको, यहाँ तक हाँ इस वीडियो में क्लेम है, ठीक है। इसके आगे का पार्ट ठीक है। तो हम या इस हमारे पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे, या तो हम इसे ट्रिम कर सकते हैं, इतने पार्ट को अगर हम ट्रिम करना चाहें तो ट्रिम कर सकते हैं, रिप्लेस सॉन्ग कर सकते हैं, म्यूट सॉन्ग कर सकते हैं। मैं आपको तीनों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ट्रिम आउट सेगमेंट पे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हमसे पूछ रहा है ये कहाँ से कहाँ तक आपको कट करना है। तो मेरी तो ये वीडियो, मैं इसमें कुछ भी कट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे कट नहीं करना चाहता, तो मैं कोई और ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं तो ये आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कट करना है तो यहाँ पे आपको स्टार्ट टाइम डाल देना है, जैसे ये वीडियो 1 मिनट 42 सेकंड की है तो आपको यहाँ पे वो स्टार्ट टाइम डाल देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना अगर कट करना है, तो नहीं तो यहाँ पे कैंसिल कर देना है। उसके बाद दोबारा सिलेक्ट एक्शन पे आना है, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं ये इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट एक्शन पे आना है, उसके बाद रिप्लेस सॉन्ग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये यूट्यूब की लाइब्रेरी खुल जाती है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से कोई भी सॉन्ग ले सकते हैं, जिस भी सॉन्ग पे आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है, उस टाइमिंग पे जहां जहां कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, यहाँ पे दो जगह पे आया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सॉन्ग को, एक ऑप्शन ये हो गया। आप अपने सॉन्ग को रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप सॉन्ग भी रिप्लेस नहीं करना चाहते तो यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे इसको, दोबारा से सिलेक्ट एक्शन पे आएंगे। अब थर्ड जो नंबर पे ऑप्शन है इसमें वो है म्यूट सॉन्ग का। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग प्लेस, मतलब पूरे सॉन्ग की आपको जो साउंड है, जो आपकी वीडियो है उसकी पूरी साउंड म्यूट करनी है, तो ये म्यूट हो गया और ऑटोमेटिक इसने सिलेक्ट कर दिया।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जहां मेरा कॉपीराइट क्लेम आया है मैं केवल उसी को म्यूट करूं, तो यहां पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद म्यूट सॉन्ग ओनली हो जाएगा, रिमूव द क्लेम्ड सॉन्ग ओनली, ये ऑटोमेटिक इसे रिमूव कर देगा। या यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आप टाइम डाल सकते हैं कि इतने से इतने टाइम तक हमारा सॉन्ग जो है वो म्यूट हो जाए। यहाँ पे दो इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो जगह क्लेम है, एक यहाँ से लेके यहाँ पे क्लेम है, पहले 44 सेकंड में और उसके बाद 56 सेकंड से 1:18 तक इसमें क्लेम है। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें से क्लेम जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है, तीन तरीके हैं यहाँ पे रिमूव करने के। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप ये सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से 2 मिनट के अंदर ही अपनी वीडियो के ऊपर आए हुए कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।